तो हेयर इज माय मम्मी, मम्मी फुल पावर, आज मम्मी ने मेरे को वैक्सीन भी लगवा दिया। फैमिली वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो आई होप कि आप लोग सही होंगे। तो यार आज का दिन भी स्टार्ट हो गया, अभी 10 बज रहे हैं एंड आज था हमारा स्कूल बट मैं गया नहीं बिकॉज मुझे वैक्सीन लगवाने जाना है एंड ऑलरेडी मैं 2 दिन लेट हो चुका हूँ। 28 डेज में लगनी थी बट पहले लग गई है, बच्चा ले लगी हाँ तो दूसरी लगाने जानी है आज, मे भी लगे ना लगे बट लग जानी चाहिए। यार अभी बस तैयार होते हैं, मम्मी और मैं जा रहे हैं, थोड़ी स्कूल गई हुई है एंड मिलते हैं थोड़ी देर में तैयार होने के बाद। तो यार मैं हो गया हूँ रेडी, ये देख लो यार। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, दरअसल मेरा बैग खो गया है, एंड मतलब साइड बैग नहीं, साइड बैग तो यहीं पे, बस एक बैग मेरे को चाहिए था ना, सामान लेके आना है, मम्मी वो जा रहे हैं ना तो थोड़ा सामान भी लेके आना है घर का, वहीं से लेते हुए आएंगे एंड मौसम तो अच्छा ही हो रहा है। बट यार मैं बैग ढूंढता हूँ कहीं पर, कहाँ को क्या बता नहीं, मेरे साथ तो पता है रोज़ी का यही झाड़ है। तो अभी मौसम हो रहा है मस्त सा, मौसम सा मौसम, धूप आई हुई है बट ऊपर साइड बर्फ़ भी पड़ी हुई है, यहाँ से दिखेगी वहीं जाके दिखेगी एंड नीचे हमारे यहीं देख लो कितनी सारी बर्फ़ है अभी भी। फैमिली मेरा बिल्कुल वैक्सीन लगवाने का मन नहीं है और फिर वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। और अभी बैग मिल चुका है, बैग दरअसल मम्मी के पास है किचन में और मेरे से कह रही है यहाँ ढूंढो, बताओ क्या ही कहें अब हम। तो अभी यार चलते हैं थोड़ी देर में, बस मम्मी तैयार हो रही है फिर निकलते हैं और वैक्सीन लगानी है। डर भी तो भी मम्मी और मैं निकल चुके हैं, ये रही मम्मी ये रहा मैं एंड यार आज वैक्सीन लगनी है तो यार काफ़ी डर लगी हुई है। बाकी आज काफ़ी टाइम बाद मैं साफ मौसम देख रहा हूँ, कल भी मतलब बादल लगे हुए थे एंड परसों तो बर्फ़ भी पड़ी थी, बस अभी तो खैर सही है। देखो अभी भी रोडों में बर्फ़ है, इस तरफ भी है। अभी हम पहुँचते गए डांट पर, मतलब मस्त धूप वगैरह आ रही है। तो यार नैनीताल में ब्लॉग बनाना इतना टफ है ना कि मतलब अभी भी हम चल रहे हैं तो इलेक्शंस वगैरह की गाड़ी वगैरह चल रही है तो गाने आने बजा रहे हैं और बाकी नैनीताल में भी एक चलता रहता है उसमें कॉपरेट लग जाता है तो पता नहीं क्या है यार सिस्टम। बाकी यहाँ सामने नैना देवी मंदिर भी दिखता है, उसके बगल में गुरुद्वारा है एंड उसके बगल में मस्जिद है, दर्शाता है हमारी क्वालिटी को कि भाई नैनीताल में यही सबसे सही जगह है। अलग ही सिस्टम है यार, कोई यहाँ ब्लॉग ही नहीं बना देता है। तो फाइनली अभी हम पहुँचे हैं मलिताल एंड बस वैक्सीन लगानी है। तो ये हैं अपने फ्लैट्स, यहीं होते हैं सारे मैचेस, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या आपका हॉकी हो, सब कुछ। तो काफ़ी सही जगह है, अभी चलते हैं यार, उधर लगनी है मेरे को वैक्सीन इस बिल्डिंग में। मम्मी वीडियो बनाएगी, क्यों मम्मी बनाओगे सच्ची? हाँ यार बनाने भी नहीं देते हैं, पता नहीं क्या है। मम्मी प्लीज़ हाँ बना देना यार। वैक्सीन वैक्सीन हमें लग गई है, काफ़ी अच्छा स्टाफ था इस बार, पिछली बार तो कह रहा मैं वीडियो भी नहीं बनाती थी बट इस बार काफ़ी अच्छा स्टाफ था एंड सेकंड डोज लग गई है, बस दर्द हो रही थोड़ी बहुत हाथ पे बट इतनी तो होती है। चलो अब चलते हैं, बस सामान लेते हैं देन चलेंगे घर को और अच्छा लग रहा है वैक्सीन लग गई, अब हम डबल वैक्सीनेटेड है, अब आप लोग मिल सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इधर मैच चल रहा है बगल में अपने एंड हम भी बस चलते हैं, अब सामान लेना है बस। और डर लगी हुई थी मेरे को तो यार वैक्सीन लगा समय कि भाई कहीं अनसंड जगह ना लग जाए, वैसे मेरे हाथ हाथ पतले हैं ना थोड़े। क्यों तो यार अभी इधर हमें दिख रहे हैं आर्मी ऑफिसर अपने देश के जवान, सो हेड्स ऑफ टू देम। सो अभी हमने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, बस अभी आया रेस्टोरेंट में, मम्मी लेके आई है आज। सो हेयर इज मम्मी, मम्मी फुल पावर, आज मम्मी ने मेरे को वैक्सीन भी लगवा दिया।
तो मस्त। अभी इधर पे काफी ज्यादा भीड़ हो रही है, बस मम्मी भी कुछ काम कर रही है अपना। तो यार अभी फिलहाल सामान वगैरह हमने ले लिया था एंड अभी हम जा रहे हैं वापस घर को। दर्शन सुन लो, ऐसे तो भीड़ वाले इधर है। फिलहाल अपना रिक्शा स्टैंड भी रिनोवेट हो चुका है, मलिताल का तलिताल का भी हो रहा है, वर्क डन नहीं हुआ है अभी। तो फिलहाल अभी हम पहुंच गए हैं घर की तरफ, मतलब घर के रास्ते में, एंड हम काफी ज्यादा थक गए, मतलब कुछ ज्यादा थक गए हैं। एंड अब तो यार बहुत ज़्यादा सामान भी लेके आए, मेरे तो कंधे भी दुखने लग गए, एंड वैक्सीन अलग लगी है। जो भी आज स्कूल नहीं गया यार, काफ़ी रिग्रेट हो रहा है। कल जाऊँगा पक्का, देखते हैं जो होगा। बाकी मम्मी तो फुल मेड बनी हुई है। मम्मी ने दो दो बैग रखे हुए हैं अपने हाथ पे एंड मैंने एक कंधे पे, वैक्सीन का फ़ायदा। तो फैमिली में घर पहुंच गया था एंड अभी मैंने इनर भी डाल लिया है इसके अंदर से, टी शर्ट के अंदर से, बिकॉज ठंडा हो रहा था। मैं तो सिर्फ वैक्सीन लगाने के लिए टी शर्ट पहन के ले गया था, तो बस अभी जा रहा हूँ मैं वापस से। दरअसल मेरा भाई आ रहा है ना फ्रेंड मिलने के लिए, मेरा रौनित भाई, आप जानते होगे तो सही है, नहीं जानते हो तो प्रीवियस व्लॉग देख लेना, पहचान जाओगे। एंड जो भी है बस अभी निकलते हैं। तो फिलहाल अभी रौनित आया हुआ है, तो अब मैं करने वाला रौनित को खतरनाक वाला इग्नोर, देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है भाई का। इग्नोर करूँगा, कौन हो आप कहूँगा, देखते हैं क्या होता है। तो भाई ये सामने अभी दिख नहीं रहा होगा, बट अभी देखो इसको आने तो इग्नोर मारूंगा। हेलो भाई, क्या हाल है? तो अभी ये है अपना भाई आगे से ड्राइविंग, सॉरी राइडिंग कर रहा है अपना भाई, एंड एंड वी आर जस्ट गोइंग टू मलिताल टू हैव सम फन। सर कौन हो आप? तो ये सर यहाँ रोज मजदूरी करते हैं, फील्ड साफ करते हैं, और वहाँ पे उसकी दुकान आ रही है शौचालय के नीचे। तो ये है अपना भाई रौनित भाई, देख लो यार इतने टाइम बाद व्लॉग में, मतलब अच्छा लगता है यार हम सब साथ में घूमने जाते हैं कभी कभी। तो फिलहाल अभी रौनित भाई और मैं वापस जा रहे हैं, काफी ज्यादा धूप सेक लिया हमने, वापस चलते हैं। क्या हुआ था अपना? हम भाई जा रहा है, भाई भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले दिन मिलते हैं। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ आशीषा के साथ, एंड अभी मतलब आशीषा तो आई गए हैं और बाकी मेरे को लेट हो गई है। दरअसल क्या बोलूँ मैं, पता है मेरे हाथ में दर्द हो गई है जब से वैक्सीन लगाई है, तब से मतलब हाथ हाथ वर्क करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो तो यूजुअली है, वो तो कोई भी वैक्सीन लगा लो, चाहे आप टिटनेस का इंजेक्शन ही क्यों ना लगा लो, उसमें भी यही होता है। बट फिलहाल अभी मैं चलता हूँ और थोड़ा आगे तक घूम के आएंगे, एंड ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करूँगा मैं, बिकॉज व्लॉग अभी भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो थोड़ा बहुत ही व्लॉग करेंगे, बट करेंगे ज़रूर। जय श्री राम। जय श्री राम। तो यार अभी मैं पहुंच गया हूँ घर, एंड अभी मेरा फ़ोन बिल्कुल, मतलब इसमें दो तीन वीडियोस भी डिलीट हो गई हैं एंड थोड़ा बहुत हैंग मार रहा था, तो यार मैं व्लॉग नहीं बना पाया और बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, तो दैट्स ऑल जो भी हुआ। बाकी जो भी था आज का व्लॉग, आशा करता हूँ कि आपको सही लग रहा होगा अभी तक तो, बट अब देखते हैं आगे क्या होता है। बस यार अभी रात के 9 बज गए हैं और अब मैं व्लॉग रिज्यूम कर रहा हूँ। दरअसल मैं दिन में नहीं बना पाया व्लॉग, आज तक के साथ चले गया था, दर उसके बाद फिर काफ़ी सारे काम हुए, बाकी इलेक्शन वगैरह चल रहा है, तो यार बाहर व्लॉग बनाना वैसे भी नहीं चल पाता ना, तो यहाँ कुछ आया था कुछ आर्टवर्क के काम से, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ एक और नया आर्टवर्क करता हूँ। एंड अभी काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई है और बस मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, एंड मेरे को आर्टवर्क वगैरह करने का भी मन है, एंड आज से मैंने आर्टवर्क भी शुरू कर दिए हैं। किसी को पेड आर्टवर्क कराना होगा तो प्लीज़ PM मी फॉर पेड आर्टवर्क, कमेंट कर दो मैं, या तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और यूज़र नेम भी डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे एक मैसेज कर दो, मैं बना दूंगा आर्टवर्क और होम डिलीवरी भी कर देंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। तो यार बस इंस्टा मैसेज कर लियो, हो जाएगा काम, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारा डिनर टाइम हो गया, डिनर करते हैं, एंड टीवी देख रहे थे अभी तक,
बस अब डिनर ही करते हैं। तो फिलहाल अभी बज चुके हैं रात के 11 और मेरी एडिटिंग जो है वो आधी कंप्लीट हो चुकी है। तो बस अभी मैं आज के व्लॉग को करता हूँ एंड, आई होप कि आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा। आज मेरे को वैक्सीन भी लग गई है और कल मेरे को स्कूल, अरे कल तो सैटरडे है तो शायद मे भी ऑफ रहेगा, देखते हैं जो भी होगा। फिलहाल आज के व्लॉग में करता हूँ एंड एंड मिलते हैं यार आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो बाय 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 फैमिली। Now my heart's wide open when I'm with you suddenly.